This is Vipunesh Kumar Timre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for the topic minimum spanning tree. So as far as today's class is concerned, here we have to understand what exactly spanning tree is, and in design analysis of algorithm by using greedy strategy, how does we can compute the spanning tree that we have to discuss. So particularly, a spanning tree is a subset of graph G which has all the vertices covered with minimum possible number of edges. यानी अगर हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ में से सारे के सारे वर्टाइसेस हमें कवर करना है और सारे के सारे वर्टाइसेस कवर करते वक्त मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हमें यूज करना है. तो पर्टिकुलरली स्पैनिंग ट्री जब हम बनाएंगे तो स्पैनिंग ट्री में कभी भी साइकिल नहीं रहेगा और कोई भी नोड डिसकनेक्टेड नहीं रहेगा. व्हाई? बिकॉज हम स्पैनिंग ट्री जब बनाते हैं तो स्पैनिंग ट्री में सारे के सारे नोड या सारे के सारे वर्टाइसेस तक के हमारी ट्री ने स्पैन करना चाहिए. मीन्स इट शुड बी द कनेक्टेड. तो बाय दिस डेफिनेशन we can draw the conclusion that every connected and undirected graph G has at least one spanning tree, and a disconnected graph does not have any spanning tree as it cannot be spanned to all of its vertices. So here we have the example of spanning tree. So aap yahan dekh sakte hain ki hamare paas ek graph hai, and this graph will consist of total three vertices, vertex A, vertex B and vertex C, and this is what a graph. Why? Because yahan pe cycle hai. And now what we have to do, we have to go for formulation of spanning tree. So is particular graph ke liye spanning tree jab hum banayenge to spanning tree ka concept ye hai ki minimum number of edges use karte hue hame sare ke sare node ko span karne wala ek tree banana hai. To as far as this particular graph is concerned, agar hum फर्स्ट स्पैनिंग ट्री बनाते हैं तो फर्स्ट स्पैनिंग ट्री हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने दो एजेस यूज किए हुए और सारे के सारे नोड को स्पैन किया है. तो दिस इज व्हाट अ फर्स्ट स्पैनिंग ट्री. ऐसा ही एक सेकंड स्पैनिंग ट्री हम बना सकते हैं जो इस तरह का दिखेगा, और थर्ड पॉसिबल कॉन्फिग्रेशन जो रहेगा स्पैनिंग ट्री का वो कुछ इस तरीके से रहेगा. तो आप तीनों स्पैनिंग ट्री को देख सकते हैं. यहाँ पे ओनली हमने दो एजेस यूज किए हैं और दो एजेस यूज करते हुए मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हमने बनाए हैं. तो फॉर अ गिवन ग्राफ मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हम बना सकते हैं. सिर्फ कंस्ट्रेंट ये है कि जब भी स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए और उस ग्राफ में साइकिल नहीं होना चाहिए. गेटिंग इट? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. अभी स्पैनिंग ट्री हमने समझ लिया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है. इन अ वेटेड ग्राफ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री दैट हैज मिनिमम वेट देन ऑल अदर स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द सेम ग्राफ. तो पर्टिकुलरली व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ के लिए अगर मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं तो हमें मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बनाना पड़ेगा, और हर एक स्पैनिंग ट्री का वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो जितने भी स्पैनिंग ट्रीज हमारे पास है उनमें से वो वाला स्पैनिंग ट्री हमें फाइंड आउट करना है जिसका वेट सबसे कम रहेगा. इसका मतलब सबसे मिनिमम वेट वाला स्पैनिंग ट्री जो रहेगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री. लिटरेचर में इसको मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री भी कहा गया है. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलो या मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, बोथ आर द सेम. एंड इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन दिस वेट कैन बी मेजर्ड एज डिस्टेंस, कंजेशन, ट्रैफिक लोड और एनी आर्बिट्री वैल्यू डिनोटेड बाय द एजेस. नाउ वी हैव टू गो फॉर द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया है. हमारे ग्राफ में टोटल तीन वर्टाइसेस है और तीन वर्टाइसेस के हिसाब से हमने देखा था कि टोटल तीन तरह के स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं. ये हमारा पहला स्पैनिंग ट्री, ये हमारा दूसरा स्पैनिंग ट्री और ये हमारा तीसरा स्पैनिंग ट्री. तो इस तरीके से फॉर अ गिवन ग्राफ वी हैव टोटल थ्री पॉसिबल कॉन्फिग्रेशंस ऑफ स्पैनिंग ट्री. अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा होगा? तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो वाला स्पैनिंग ट्री होता है जिसका वेट सबसे कम रहेगा, एंड दैट्स व्हाई अभी हमें इस ग्राफ को वेटेड ग्राफ कंसीडर करना पड़ेगा. तो वेटेड ग्राफ अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वी हैव टू असाइन द वेट टू एजेस. तो हमारे जितने भी एजेस है ये एजेस को हमने वेट असाइन किया हुआ है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजेस अभी जितने भी पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज हमारे पास है हर स्पैनिंग ट्री का हमें वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हियर वी हैव टू गो फॉर फर्स्ट स्पैनिंग ट्री. तो फर्स्ट स्पैनिंग ट्री के वेट इस तरीके से रहेंगे, सेकंड स्पैनिंग ट्री के वेट इस तरीके से, और थर्ड स्पैनिंग ट्री के वेट कुछ इस तरीके से. एंड ये वी आर गोइंग फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री. तो पहला स्पैनिंग ट्री जो है उसका कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 3 विल बी इक्वल टू 5. दूसरा स्पैनिंग ट्री जो है उसका कॉस्ट जो रहेगा दैट इज 3 + 1 विल बी इक्वल टू 4. और थर्ड स्पैनिंग ट्री जो है उसका कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3. तो इस तरीके से तीन स्पैनिंग ट्री हमारे पास है. अब तीनों स्पैनिंग ट्री में से वो वाला स्पैनिंग ट्री हमें कंसीडर करना है जिसका वेट सबसे कम है. तो 5, 4 एंड 3 इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा है?
थ्री एंड दैट्स वाई लास्ट वाला स्पेनिंग ट्री जो रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ मिनिमम स्पेनिंग ट्री. तो आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट वाला हमारा स्पेनिंग ट्री जो रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ स्पेनिंग मिनिमम स्पेनिंग ट्री. क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट सबसे कम है. तो दिस इज अबाउट मिनिमम स्पेनिंग ट्री. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट आर द वेरियस अल्गोरिदम्स टू कम्प्यूट द मिनिमम स्पेनिंग ट्री. तो पर्टिकुलरली मिनिमम स्पेनिंग ट्री कम्प्यूट करने के लिए अगर हम ग्रीडी अल्गोरिदम्स के लिए जाएंगे तो हमारे पास दो तरह के ग्रीडी अल्गोरिदम्स होते हैं जिससे कि हम मिनिमम स्पेनिंग ट्री कम्प्यूट कर सकते हैं. पहला स्पेनिंग ट्री कम्प्यूट करने वाला ग्रीडी अल्गोरिदम जो है दैट इज व्हाट अ क्रुस्कल अल्गोरिदम, और मिनिमम स्पेनिंग ट्री कम्प्यूट करने वाला दूसरा अल्गोरिदम जो है दैट इज व्हाट अ प्रिम्स अल्गोरिदम. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट of these Kruskal algorithm and Prim's algorithm to compute minimum cost spanning tree. So here we have some important concepts. Pahla concept hai, if all the edge weights are distinct, then both the algorithms are guaranteed to find the same MST. So first concept hai ki agar aapko graph is tarike ka diya hai ki aapke graph mein ke sare edge weights agar distinct hai, तो फिर चाहे आप प्रिम्स एल्गोरिदम लगाओ या क्रुस्कल एल्गोरिदम लगाओ, दोनों एल्गोरिदम लगाने के बाद में आपको सेम एमएसटी मिलेगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में टोटल तीन एजेस है और तीनों एजेस के वेट्स अगर जो देखोगे तो डिस्टिंक्ट है. ए सी, बी सी और ए बी, तीनों एजेस के वेट जो है वो डिस्टिंक्ट है, यानी कोई भी एज वेट रिपीट नहीं हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर अगर हम प्रिम्स एल्गोरिदम लगाते हैं या क्रुस्कल एल्गोरिदम अगर लगाते हैं तो दोनों में जो बनने वाला स्पेनिंग ट्री रहेगा वो हमारा सेम रहेगा. तो जैसे कि अगर हमने क्रुस्कल एल्गोरिदम लगाया और क्रुस्कल एल्गोरिदम लगाने के बाद मिनिमम स्पेनिंग ट्री जो रहेगा वो 2+1 यानी 3 वाला बनेगा, तो इस तरह का अगर स्पेनिंग ट्री क्रुस्कल एल्गोरिदम से अगर हमें मिल रहा है तो सेम मिनिमम स्पेनिंग ट्री हमें प्रिम्स एल्गोरिदम के बाद में भी मिलेगा. तो इफ वी विल अप्लाई द प्रिम्स एल्गोरिदम देन वंस अगेन वी विल गेट द सेम स्पेनिंग ट्री. तो दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट वन. देन वी हैव कॉन्सेप्ट टू, इफ ऑल द एज वेट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कुछ एज वेट्स ऐसे होंगे जो रिपीटेबल रहेंगे, देन बोथ द एल्गोरिदम्स मे नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम एमएसटी. अगर आपके ग्राफ में के कुछ एज वेट्स रिपीट अगर हो रहे हैं तो दोनों के दोनों अल्गोरिदम सेम एमएसटी जनरेट करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं. However, the cost of both the MSTs would be always same in both the cases. यानी भले ही आपके MST अलग-अलग क्यों ना रहे, लेकिन उनका cost जो रहेगा वो same रहेगा. तो हम यहाँ देख लेते हैं एक example के through. तो here we have once again the same graph and we have edge weights. अब इस edge weights के हिसाब से अगर आप देखोगे तो AC और BC ऐसे दो edges हैं जिनका weight same है, यानी repeatable edge weight है. और repeatable edge weight के ऊपर अगर हम Prim's algorithm या Kruskal algorithm अगर लगाते हैं तो by this we may get different spanning tree. तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे Kruskal algorithm apply किया तो we are getting this minimum spanning tree, and अगर हम Prim's algorithm लगाएंगे तो Prim's algorithm के हिसाब से जो spanning tree अगर मिल रहा है तो वो कुछ अगर इस तरीके का रहेगा. तो आप देख सकते हैं कि by applying both the algorithms we are getting two different spanning trees. लेकिन दोनों algorithm से जो भी spanning trees हमको मिले हुए हैं उनकी अगर cost calculate करते तो minimum spanning tree का cost जो रहेगा वो same रहेगा. तो concept ये है कि अगर हमको कोई ग्राफ दिया है और उस पर्टिकुलर ग्राफ में के कुछ एज वेट्स ऐसे हैं जो रिपीट अगर हो रहे तो क्रुस्कल एल्गोरिदम या प्रिम्स एल्गोरिदम से स्पेनिंग ट्री जो मिलेगा जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, लेकिन इसकी गारंटी है कि दोनों स्पेनिंग ट्री का कॉस्ट जो रहेगा, दोनों मिनिमम स्पेनिंग ट्री का कॉस्ट जो रहेगा दैट विल बी द सेम. गेटिंग इट? नाउ हियर वी हैव थर्ड कॉन्सेप्ट, Which algorithm is preferable? यानी किस सिचुएशन में कौन सा algorithm हम यूज करेंगे? When we have to go for Prim's algorithm and when we have to go for Kruskal algorithm. तो here, Kruskal algorithm is preferable when the graph is sparse. यानी आपका graph जो दिया है वो graph का nature sparse है, यानी number of edges जो है वो कम है, means connectivity जो रहेगी वो कम रहेगी. तो यहाँ पे number of edges जो दिए हुए हैं वो order of अगर vertices अगर है, then for such kind of स्पार्स ग्राफ वी कैन यूज अवर क्रुस्कल एल्गोरिदम, वेर एच इफ वी वॉन्ट टू गो फॉर प्रिम्स एल्गोरिदम तो प्रिम्स एल्गोरिदम को हम तब प्रिफर करेंगे जब हमारे ग्राफ का नेचर डेंस रहेगा. अब डेंस ग्राफ का मतलब आपके ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी, यानी कनेक्टिविटी या नोड डिग्री जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी. तो इफ देर आर लार्ज नंबर ऑफ एजेस
और पर्टिकुलरली लार्ज नंबर ऑफ एजेस को हम ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। तो नंबर ऑफ एजेस अगर आपके ज्यादा है यानी आपका ग्राफ अगर डेंस है तो देन वी हैव टू गो फॉर द प्रिम्स एल्गोरिदम। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रिम्स एल्गोरिदम एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम। तो प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है? तो हियर फर्स्ट डिफरेंस इज दैट इन क्रुस्कल एल्गोरिदम रूट इज नॉट स्पेसिफाइड वेयर एज इन प्रिम्स एल्गोरिदम रूट इज स्पेसिफाइड। तो आगे चल के हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में क्रुस्कल एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम का स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन हम स्टडी करने वाले हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें हम इन डेप्थ देखने वाले हैं। बट आज की क्लास में हमें डिफरेंस स्टडी करना है क्रुस्कल एल्गोरिदम का और प्रिम्स एल्गोरिदम का। तो बेसिक डिफरेंसेस हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला डिफरेंस ये है, क्रुस्कल एल्गोरिदम जब हम रन करेंगे तो एग्जैक्टली हमें कहाँ से स्टार्ट करना है ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ रहता। वेयर एज प्रिम्स एल्गोरिदम की अगर हम बात करेंगे तो प्रिम्स एल्गोरिदम में आपने किस वर्टेक्स से स्टार्ट करना है ये हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा। एंड दिस इज व्हाट द फर्स्ट डिफरेंस व्हिच इज कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी ऑफ रूट। तो क्रुस्कल एल्गोरिदम में रूट स्पेसिफाई नहीं होता है जबकि प्रिम्स एल्गोरिदम में आपको रूट स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा। सेकेंड डिफरेंस, द ट्री दैट वी आर मेकिंग और ग्रोइंग यूजुअली रिमेन्स डिसकनेक्टेड। तो क्रुस्कल एल्गोरिदम का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि क्रुस्कल एल्गोरिदम में हम n नंबर ऑफ ट्रीज के साथ स्टार्ट करते हैं और हर सब्सिक्वेंट इटरेशन में नंबर ऑफ ट्रीज को हम मर्ज करते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं, और नंबर ऑफ ट्रीज जब हम मर्ज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ ट्रीज हमारे रिड्यूस होते जाएंगे और फाइनली जब हम एंड करेंगे क्रुस्कल एल्गोरिदम को तो सिंगल ये ट्री के साथ हम एंड अप करते हैं। तो एवरी टाइम क्रुस्कल एल्गोरिदम की बात करेंगे तो क्रुस्कल एल्गोरिदम में आपके नंबर ऑफ ट्रीज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिदम डिसकनेक्टेड रह सकते हैं। वेयर एज प्रिम्स एल्गोरिदम को अगर हम रन करेंगे तो प्रिम्स एल्गोरिदम में हमेशा आपके पास एक ही स्पैनिंग ट्री रहेगा। तो देयरफॉर इन प्रिम्स एल्गोरिदम द ट्री दैट वी आर मेकिंग और ग्रोइंग इज ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड। हम एक ट्री के ही स्टार्ट करते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम में और एक ट्री के साथ ही फिनिश करते हैं और ये वाली ट्री धीरे 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 बढ़ते जाती है। सच काइंड ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म इज देयर इन केस ऑफ प्रिम्स एल्गोरिदम। तो अगर थ्रू आउट एग्जीक्यूशन नंबर ऑफ ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो प्रिम्स एल्गोरिदम में हमारे पास सिंगल ट्री होता है हमेशा। पहले वो इनकम्प्लीट होता है बट एट द एंड वो कम्प्लीट रहेगा। एंड नंबर ऑफ ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा हमारे पास एक ही ट्री रहेगा और वो भी कनेक्टेड रहेगा। जबकि क्रुस्कल एल्गोरिदम की बात अगर हम करते हैं तो क्रुस्कल एल्गोरिदम में एन नंबर ऑफ ट्रीज के साथ हम स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं सिंगल ट्री के साथ, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम नंबर ऑफ ट्रीज जो है ये आपके एन से लेके वन तक के रिड्यूस होते हैं और नंबर ऑफ ट्रीज कनेक्टेड रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। नंबर ऑफ ट्रीज आपके अनकनेक्टेड रह सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द सेकंड डिफरेंस। देन थर्ड, इन क्रुस्कल एल्गोरिदम इट ग्रोज अ सॉल्यूशन फ्रॉम द चिपेस्ट एज बाय एडिंग द नेक्स्ट चिपेस्ट एज टू द एग्जिस्टिंग ट्री और फॉरेस्ट। तो क्रुस्कल एल्गोरिदम में हम हमेशा उस पर्टिकुलर एज से स्टार्ट करते हैं जिस एज का वेट सबसे कम है, और अगर वो पर्टिकुलर एज अगर साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा है तो उस एज को हम इंक्लूड करते जाते हैं हमारे स्पैनिंग ट्री में। वेयर एज इन प्रिम्स एल्गोरिदम इट ग्रोज अ सॉल्यूशन फ्रॉम अ रैंडम वर्टेक्स बाय एडिंग द नेक्स्ट चिपेस्ट वर्टेक्स टू द एग्जिस्टिंग ट्री। तो यहाँ पे चिपेस्ट वर्टेक्स यानी वर्टेक्स का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं और चिपेस्ट वर्टेक्स के हिसाब से हम हमारे ट्री को बढ़ाते जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्रुस्कल एल्गोरिदम ट्री अगर आपको बढ़ाना है तो चिपेस्ट एज की हम बात करते हैं जबकि प्रिम्स एल्गोरिदम में चिपेस्ट वर्टेक्स की हम बात करते हैं। एंड वी हैव लास्ट डिफरेंस, क्रुस्कल एल्गोरिदम इज फास्टर फॉर द स्पार्स ग्राफ वेयर एज प्रिम्स एल्गोरिदम इज फास्टर फॉर द डेंस ग्राफ। तो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि क्रुस्कल एल्गोरिदम जनरली हम तब यूज करेंगे जब हमारा ग्राफ अगर स्पार्स है यानी नंबर ऑफ एजेस आपके कम है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एजेस आपके ग्राफ में अगर ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग फॉर प्रिम्स एल्गोरिदम। तो दिस इज द डिफरेंस अबाउट द प्रिम्स एल्गोरिदम एंड द क्रुस्कल एल्गोरिदम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली स्पैनिंग ट्री इज, व्हाट एग्जैक्टली मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज, एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी अमंग प्रिम्स एल्गोरिदम एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम टू कंप्यूट मिनिमम स्पैनिंग ट्री। थैंक यू।